राजनीति में कई बार ब्रेक लगाना पड़ा, मजबूरी हो गई। हम लोग अचानक विरोधी से बिहार में सत्ताधारी समूह में शामिल हो गए, स्वाभाविक रूप से हमको भी ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन ब्रेक लगाने में हमने बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं किया। हमने इतना जरूर कहा, जब शिक्षा में सुधार की मांगों की पूर्ति के लिए हम आक्रोश दिखाने का काम नहीं करेंगे, हम आग्रह करने का काम करेंगे। उसको लगा था कि अब राज्य में अपनी सरकार हो गई, हम आग्रह करेंगे। जनता की समस्या निश्चित रूप से ऐसी है जिस पर सरकार का ध्यान जाएगा। और जब आग्रह की शुरुआत की, कई बार आग्रह किए, एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से पटना की गांधी मैदान में रैली हमने की, उसके माध्यम से शिक्षा सुधार, शिक्षक सरकार के माध्यम से शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार के माध्यम से शिक्षा सुधार, मानव कतार के माध्यम से न जाने कितने कार्यक्रमों के माध्यम से जो हम लोगों ने मांग की शुरुआत की। लगातार हमारे साथियों ने बिहार भर में इन मांगों की पूर्ति के लिए कोशिश की, हमने आग्रह जारी रखा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले, उसको जानकर आश्चर्य हुआ कि राज्य की सरकार की ओर से बयान आया। राज्य की सरकार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत देर से अपनी मांग रखने का काम किया है। भैया, हमने तो डेढ़ साल पहले मांग रखने का काम किया। डेढ़ साल पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 25 सूत्री मांग रखी, और अभी सप्ताह भर पहले बिहार की सरकार कहती है उपेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पार्टी ने देर से मांग रखने का काम किया। पता नहीं उनकी ऊंचे बोलने का क्या मतलब होता है, किस मतलब से लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं अगर कुछ करने का इरादा होता तो डेढ़ साल पहले से जो मांग चल रही है उसके बारे में नहीं कहा होता कि देर से मांग रखने का उपेंद्र कुशवाहा ने काम किया। इनकी मंशा साफ नहीं करना चाहते सिर्फ बहानाबाजी। हमने तो यहां तक का सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही थी, सीट शेयरिंग के संदर्भ में एनडीए के अंदर जो बात चल रही थी, धीरे धीरे क्रमवार कई घटनाएं इस संदर्भ में हुई। सबसे पहले हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हुई, बात नहीं बनी। हमने अंत में पटना में एक दिन मीटिंग करके कहा कि हम अब किसी से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने का काम करें, और उनसे अगर नहीं संभव हो सका तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का काम करें। हमने कोशिश की, दो बार प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने का प्रयास किया। दिल्ली में जाकर कई कई दिन हम इंतजार में रहे, सम्मान उनके यहाँ दिया गया, मैसेज दिया गया हमारे कार्यालय से, उनके कार्यालय को या मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं आई, कोई संवाद उधर से कुछ नहीं आया। तब हमने कहा कि अब तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से भी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करने का प्रयास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। फिर मैंने कोशिश प्रारंभ की, प्रधानमंत्री जी के यहाँ समय मांगा, 4-5 दिन बीत गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई संवाद नहीं आया, कोई संवाद नहीं है। एक तरफ वहां संवाद का इंतजार हम कर रहे थे और दूसरी ओर बिहार में हमको बर्बाद करने का निरंतर प्रयास चल रहा था, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास चल रहा था। हमारी पार्टी के जो विधायक है, हमारी पार्टी के जो दूसरे साथी है, उनको लोक प्रलोभन दिया जा रहा था, उनको मंत्री पद की लालच दी जा रही थी, न जाने क्या क्या लोभ देकर। सत्ता के पास जो हथियार होता है, तमाम हथियारों का, अस्त्रों का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, एक मौका ऐसा आया जब उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से आज भी सम्मान देता हूँ, उनको बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन मुझको तब काफी दुखी हुआ जब एक मीडिया के मंच से उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नीच है। मित्रों, जब नीतीश कुमार जी ने कहा उपेंद्र कुशवाहा नीच है, अंदर से मेरा कलेजा हिल गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस मंच से, नीतीश कुमार जी, यदि उपेंद्र कुशवाहा नीच है, पता नहीं किस आधार पर
कुशवाहा आपसे पढ़ा लिखा कोई कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी भारत सरकार में मंत्री है। आखिर किस अर्थ में उपेंद्र कुशवाहा, किस अर्थ में उपेंद्र कुशवाहा आपसे नीच है? किसी भी अर्थ में आपसे उपेंद्र कुशवाहा नीच नहीं है, लेकिन शायद मुझको लगता है गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहा है, इसलिए नीच उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है। नीतीश जी समझ लीजिए, सुन लीजिए, गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की बात करना अगर नीच हो रहा है तो हाँ उपेंद्र कुशवाहा गांधी की शक्ति पर कहता है नीच बनने को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन गाँव के गरीब बच्चों की लड़ाई को हम बंद करने वाले नहीं, हम बंद करने वाले नहीं। हम चाहते हैं गांव के गरीब बच्चे भी अच्छी अच्छी जगह पर जाए, दलितों के बच्चे जाए, अति पिछड़ा पिछड़ों के बच्चे जाए, सवर्ण जाति भी जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चे भी अच्छी जगह पर अच्छे पदों पर जाए। अगर इस कारण से नीतीश जी मुझको आप नीच समझते हैं तो समझते रहिए। हाँ उपेंद्र कुशवाहा इसके आधार पर अगर आप नीच कहते तो नीच है, लेकिन अपने आंदोलन को बंद करने का काम हम नहीं करते। तो एक तरफ दिल्ली में मैं उस तरह से कोशिश कर रहा हूँ और दूसरी ओर बिहार में मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश शुरू हो गई, मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश शुरू हो गई। अंत में जब प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया तब हमने कहा अपने साथियों से कि हम बैठेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे आपस में, फिर तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन उसी बीच मीडिया के एक बंधु ने फिर से शिक्षा से संबंधित मांगों के बारे में थोड़ी चर्चा चल रही थी, वहां मुझसे कहा आप जो कर रहे हैं शिक्षा में सुधार की बात क्या करना चाहते, सीट शेयरिंग से जोड़कर उन्होंने सवाल किया। मैंने कहा कि सीट शेयरिंग अपनी जगह है, सीट शेयरिंग अपनी जगह है, राजनीति में जनता पहले होती है, सीट बाद में होती है। राजनीति में जिस जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, जिस जनता के लिए हम सब कुछ करते हैं, जिस जनता के लिए हम राजनीति में आए हैं, उनका हित पहले है, पार्टी का हित बाद में है। अब भी विपक्ष है, मैंने उस समय कहा था, उस समय कहा लगभग सप्ताह भर पहले, यह अभी भी वक्त है। उसको नीतीश जी ने नीच कहा, अपमानित किया, मैं इस अपमान को भी भूलने के लिए तैयार हूँ, सीट शेयरिंग के लिए भी मैं छोड़ने के तैयार के लिए तैयार हूँ। भले एक सीट न मिले तो भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काम करेगी, लेकिन शिक्षा में सुधार के लिए 25 सीटें हमारी मांग है, इसको बिहार की सरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ले, कहे कि आपकी मांग को पूरा करने का काम हम कर देंगे, तो सीट की चिंता भी हम छोड़ देंगे, अपने अपमान की भी चिंता छोड़ देंगे, क्योंकि जनता का सम्मान यदि होता है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने को सम्मान उसी में समझने का काम करेंगे। एक सप्ताह बीत गया, बीच में कह दिया गया कि देर से उपेंद्र कुशवाहा ने मांग रखी, जबकि डेढ़ साल पहले हमने मांग रखी थी। तो इस तरह का रवैया चल रहा, इस तरह का रवैया चल रहा, इसका सीधा मतलब है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में गांव के गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर चिंता होती तो उपेंद्र कुशवाहा की बातों को छोड़ दीजिए, बड़े भाई के बारे में कहते हैं नीतीश कुमार जी, उनके जो बड़े भाई है उनके बारे में 15 साल हम लोग भी जब उनके साथ घूमते थे समता पार्टी के दौर में, तो आकर लोगों के बीच कहते थे 15 साल बड़े भाई को, नीतीश जी अब तो वही बात आपके ऊपर लागू होती है। अभी जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, आपके लोगों से पूछा जाता है, तो फिर आप इसी पुराने 15 साल को याद दिलाते हैं। नीतीश जी अब पुराना 15 साल को याद दिला के काम नहीं चलने वाला, अब तो 15 साल तो आपका पूरा होने वाला है। बताइए आज भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या क्यों होती है? बताइए पटना में, पटना शहर में चिड़ियाखाना के पास दोपहर 12 बजे 1 बजे एक अधिवक्ता की हत्या क्यों होती है? बताने का काम कीजिए। हमारी छोटी छोटी बहने, छोटी छोटी बच्चियां शेल्टर होम में मुजफ्फरपुर में क्या उनके साथ हुआ? बलात्कार की घटनाएं किस तरह से हुई? एक दिन नहीं बल्कि लगातार होती रही। और आपकी सरकार ने क्या करने का काम किया? आप तो बहुत ही, जब घटना हुआ घटी थी तो पटना के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम तो शर्मसार है, शर्मसार है। देखिए बोलने में नीतीश कुमार बहुत माहिर है,
बोल कर तो ऐसी बात करेंगे कि लोगों को लगेगा कि अरे इससे मसीहा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन नीतीश जी आपकी पोल धीरे धीरे खुलते जा रहे, खुलते जा रहे। आपने कहा कि भटना संसार करने वाला कोई नहीं छूटेगा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति बीच में जो दोषी होगा सजा मिलेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को डांटते हुए कहा जो FIR आपकी पुलिस ने किया है वो FIR गलत है, उस FIR में तो धारा लगनी चाहिए, वह धारा नहीं लगी। अब सुप्रीम कोर्ट जब यह बात कर रही है तो नीतीश जी आपका यह प्रयास, गरीब जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ जो बलात्कार की घटना घटी, उसने उन बच्चियों ने कहने का काम किया था, उन बच्चियों ने बयान दिया था, अखबार के माध्यम से बयान आया था कि जो लोग आते थे एक हंटर वाले बाबा आते थे, एक पेट वाले दादा आते थे। कहां गए हंटर वाले दादा, कहां गए पेट वाले बाबा, अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? इसलिए नहीं पकड़े गए कि आपकी पुलिस ने ऐसा FIR किया कि उनको बचाने की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहने का काम किया। और दिनकर के शब्दों में हम कहना चाहते हैं, महाभारत के पहले श्री कृष्ण गए थे कौरव के यहाँ संदेश लेकर गए थे, और वहां जाकर उन्होंने संदेश दिया था कि दे दो हमको 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। कहा था कौरव ने कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा था हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बना भी करूँगा, संघर्ष बना भी करूँगा, इसी संकल्प के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं अब जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इस संकल्प में आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा ना? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।